चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अपने एग्जाम में आया है 2020 में, कोविड का समय 2020 के ऑनर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। फटाफट से समझ कर लेते हैं बस। आपके पास पहले स्क्रीन में मैं क्वेश्चंस को लेके आता हूँ, क्वेश्चंस को मैं पहले ठीक से पढ़ूंगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे समझ करेंगे। देखना है ठीक से। क्वेश्चन 15, फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड और एस लिमिटेड, दो कंपनी का बैलेंस शीट तुमको बना के दे दिया यहाँ पे, तुमको इक्विटी शेयर दे दिया, जर्नलिज्म दे दिया, ट्रेड पेबल्स, बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट, उसका सारा का सारा एसेट्स वगैरह यहाँ पे दे दिया है। नीचे तुमको एडजस्टमेंट बोला है कि एच लिमिटेड एक्वायर 24,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। एच लिमिटेड जो है, एस लिमिटेड का 24,000 शेयर्स क्या किया है, एक्वायर किया है। कब? 1 फरवरी 2019 को, मतलब ये ईयर के शुरुआत में, बिगिनिंग ऑफ द ईयर है। इसका मतलब यहाँ पे टाइम का जो एडजस्टमेंट करते थे हम लोग एट ए टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ पीएल अकाउंट एंड रिजर्व अकाउंट, उस केसेस में हम लोग यहाँ पे टाइम का एडजस्टमेंट करने का दरकार नहीं है। कितना में खरीदा था? 2,80,000। ऊपर में इन्वेस्टमेंट में कितना अमाउंट है? 2,80,000। इसका मतलब वो भी झमेला नहीं है, वो वाला भी झमेला नहीं है। उसके बाद क्या बोला? इमीडिएटली आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ एच लिमिटेड रिसीव अ डिविडेंड फ्रॉम द एच लिमिटेड। अच्छा, ये क्या क्या डिविडेंड इश्यू किया था 20% के, और 18-19 का, तो 18-19 का डिविडेंड भी रिसीव हुआ होगा एस्टिमेटेड को। नहीं भी बोलता तो भी हम लोग मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला 1 जनवरी 2019 को एस्टिमेटेड हैड 50,000 रुपीज इन जर्नलिज्म। जब ईयर स्टार्ट हुआ था तो उसके जर्नलिज्म में 50,000 रुपया था, और 80,000 रुपया कहाँ पे था? पीएल अकाउंट में था। ये ओपनिंग जर्नलिज्म और ओपनिंग पीएल अकाउंट का बैलेंस दे दिया है। उसके बाद गुड्स वर्थ रुपीज इतना 25% बोला है, 25% ऑन कॉस्ट 10,000 रुपीज। अच्छा, 10,000 रुपये का सामान बेचा गया है जिसमें 25% ऑन कॉस्ट को सामान बेचता है, जिससे क्या निकलता है? अनरियलाइज्ड रेंट। सर, ये अनरियलाइज्ड रेंट कहाँ पे काम आता है? अनरियलाइज्ड रेंट वहीं पे काम आता है मेरे दोस्त। पहले तो आपने जब बैलेंस शीट बनाना है, इन्वेंट्री इन्वेंट्री से आपको अनरियलाइज्ड रेंट के अमाउंट को माइनस करना है, और दूसरा जब कंसोलिडेटेड पीएल अकाउंट बनाते हैं तो वहां पे भी इस 2,000 के एडजस्टमेंट्स को हम लोग करते हैं। अभी हम लोग करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इस टाइप के सम्स कई बार कर चुके हैं, आ जाएगा। तो सबसे पहला जो हम लोग करने वाले हैं, सबसे पहला जो पॉइंट होता है वर्किंग नोट नंबर 1 होता है, राइट? वर्किंग नोट नंबर 1 क्या करते हैं? वर्किंग नोट नंबर 1 में हम लोग करते हैं कि एस्टिमेटेड का क्या हिस्सा है और एमआई का क्या हिस्सा है। ठीक है, अभी हम लोग अभी सम्स पढ़े ना, सम्स में अभी हम लोग पढ़े हैं तो उसमें देखोगे तो दिया हुआ है कि कितना शेयर खरीदा है, 24,000 शेयर खरीदा है। इसमें कितने, इसके पास कितना शेयर था देखो, एक बार 3,00,000 डिवाइड 10 करेंगे तो आ जाएगा 30,000। 30,000 में 24,000 शेयर कौन खरीदा है? एस्टिमेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक बार, तो यहाँ पे लिखोगे 24,000 डिवाइड बाई 30,000, यहाँ पे आ जाएगा फिर 6,000 डिवाइड बाई 30,000। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुमको ये सब चीज पता होगा। ये आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा तुम्हारा 4/5, और ये आ जाएगा तुम्हारा 1/5। ठीक है, यस सर। वर्किंग नोट नंबर 1 खत्म। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 हम लोग क्या करते हैं? एनालिसिस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। सर कॉलम कितना होगा? सर वही दो कॉलम होगा, एक होगा क्या प्री का और एक होगा क्या पोस्ट का। पोस्ट का से दो कॉलम होगा, एक रिजर्व का और एक पीएल अकाउंट का। ठीक है, एक रिजर्व का और एक पीएल अकाउंट का। क्लास में कई बार बता दिया भाई, बार बार बताने की दरकार नहीं समझते हम। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, तो देखो प्री में सबसे पहला यदि मैं पहला पॉइंट बताऊं तो पहला यदि हम लोग पकड़ते हैं जर्नलिज्म को, जर्नलिज्म को यदि हम पहले पकड़ते हैं तो जर्नलिज्म का बैलेंस एज ऑन, बैलेंस एज ऑन 1/4/2019 का बैलेंस कितने का था देखो एक बार। 1/4/2019 का बैलेंस उनको नीचे दिया हुआ था यहाँ पे। कितना का बैलेंस दिया हुआ है जर्नलिज्म का? 50,000 रुपया। 50,000 का ओपनिंग बैलेंस था। क्लोजिंग बैलेंस कितने का है सर? क्लोजिंग बैलेंस जर्नलिज्म का है तुम्हारा 80,000 रुपया। 50 था ओपनिंग, क्लोजिंग हो गया कितना? 80,000 रुपया। बैलेंस एज ऑन 31/3/2020 कितने का है? अच्छा, ये 50,000 रुपये तो पूरा का पूरा प्री में लिख सकते हो? बोलो हाँ, क्योंकि सर इसमें कोई टाइम का एडजस्टमेंट बोल के है नहीं। अच्छा, अब ये कितना हो गया? ये हो गया 80,000 रुपये, राइट? ये 80,000 रुपये हो गया, मतलब इस पूरे साल में हम लोग कितना कमाए होंगे? 30,000 रुपये कमाए होंगे आफ्टर एक्विजिशन। इसका मतलब ये पूरा का पूरा 30,000 रुपीज कैन बी ट्रांसफर टू द पोस्ट रिजर्व। हम लोग यहाँ पे 30,000 रुपये डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं। यदि टाइम का झमेला नहीं है तो, टाइम का झमेला रहता है तो हम लोग क्या करते थे? प्री में पोस्ट में हम लोग क्या करते थे? डिवाइड करते थे एस एज पर टाइम। बट यहाँ पे टाइम का झमेला है ही नहीं, तो डायरेक्टली हमने रिजर्व क्या क्या ट्रांसफर कर दिया? पोस्ट में ट्रांसफर कर दिया। नाउ पॉइंट नंबर 2, पीएल अकाउंट। सेम चीज, पीएल अकाउंट का भी क्या क्या होगा? बैलेंस एज ऑन 1/4/2019 का बैलेंस देखो कितने का है। बैलेंस कितने का है देखो एक बार, तुमको बैलेंस दिया हुआ है 80,000 रुपया। कितना दिया हुआ बताओ?
80 रुपए का तुम्हारा बैलेंस है, तो अपने यहाँ पे 80 रुपए लिखते हैं। बट एक चीज भूलना मत, यहाँ पे तुमको डिविडेंड भी तुम क्या किए हो, डिविडेंड भी तुम दिए हो। यहाँ पे डिविडेंड दिया 20%, 20% डिविडेंड भी दिया। डिविडेंड का अमाउंट निकालते हैं तो कितना निकलेगा, 3 लाख का 20%, 3 लाख का 20% हो जाएगा 60 हजार रुपया। तो हम लोग यहाँ पे पहले लेस करते हैं क्या, लेस लेस डिविडेंड, क्योंकि पिछले साल का था। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 लाख का 20%। सर ये समझ में नहीं आया, अरे भाई कितनी बार ये एडजस्टमेंट किए हुए हैं, और हम लोग क्लास में डिविडेंड को लेके एक अलग पूरा एक क्लास पूरा डिविडेंड के ऊपर लिए थे। वो क्लासेस जाके देख लेना तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो डिविडेंड का अमाउंट तुम्हारा आ जाएगा, तुम्हारा कितना, 3 लाख का 20% हो जाएगा 60 हजार रुपया। आप 60 हजार रुपये लेस करोगे तो यह आ जाएगा कितना रुपया, 20 हजार रुपया। ये 20 हजार रुपया क्या आया, 20 हजार रुपया पीएल अकाउंट, पीएल का बैलेंस है आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, आफ्टर डिडक्टिंग डिविडेंड। तो डिविडेंड का अमाउंट माइनस करने के बाद तुम्हारा अमाउंट कितना आ रहा है, 20 हजार रुपया। ये 20 हजार रुपये का पूरा क्या है, प्री है सर। ये पूरा का पूरा मैं प्री में ट्रांसफर कर सकता हूँ सर, एकदम ट्रांसफर कर सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं सर, ठीक है। अब आगे देख, अब देखो बैलेंस एज ऑन 31/3/2020। अब 31/3/2020 का इसका बैलेंस कितने का है तुमको देखो, संस में दिया हुआ है। यहाँ पे तुम देखोगे तो इसका बैलेंस दिया हुआ है तुम्हारा 1 लाख रुपया। कितना दिया हुआ बताओ, 1 लाख रुपया, राइट। इसका मतलब ये जो 20 हजार है अब ये बन गया कितना रुपया, 1 लाख रुपया। अच्छा इसका मतलब सर आप इस पूरे साल में कितना कमाए हो, 80 हजार रुपया कमाए हो, बोलो हाँ। ये पूरा का पूरा 80 हजार रुपया क्या हम लोग पूरा पोस्ट में, पोस्ट के पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, आंसर इज यस, क्योंकि टाइम का झमेला नहीं है तो ट्रांसफर किया जा सकता है, खत्म हो गया तुम्हारा एनालिसिस ऑफ पीएल अकाउंट, खत्म हो गया। तो देखो एक बार अब क्या करोगे, इसको जोड़ोगे एक बार, एक बार ये जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 70 हजार रुपया, सॉरी इसको कैसे किया, 70 हजार रुपया। ये आ जाएगा तुम्हारा 30,000 रुपीज, और ये आ जाएगा तुम्हारा, एक मिनट लिया, और ये हो जाएगा 80,000 रुपीज। कोई इश्यू है सर, नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे लेस करते हैं क्या, इससे लेस करते हैं किससे, इससे लेस करते हैं क्या, एमआई, एमआई का हिस्सा कितने था सर, एमआई का हिस्सा 1/5 था, राइट, 1/5 था। तो 70,000 का 1/5 करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 14,000 रुपीज, ये 14,000 रुपीज आ जाएगा। ये तुम्हारा 1/5 करोगे तो आ जाएगा 6,000 रुपया, ये तुम्हारा 1/5 करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, 16,000 रुपीज। तो इसमें एस लिमिटेड का हिस्सा क्या आ गया, सिक्सटी फोर थाउजेंड, 24,000, और 56,000। समझ गए सर, यस सर, ये आपका समझ में आ गया, एनालिसिस ऑफ पीएल अकाउंट। नाउ सेकंड पॉइंट, थर्ड मतलब थर्ड नंबर इज थर्ड नंबर वर्किंग नोट नंबर थ्री। क्या कर रहे हैं हम लोग वर्किंग नोट नंबर थ्री में, क्या करते हैं याद करो, याद करो मेरे दोस्त, क्या करते हैं हम लोग, सीओसी निकालते हैं, सीओसी, सीओसी निकालते हैं, ठीक है, सीओसी निकालते हैं। तो हम लोग सीओसी इस तरीके से निकालेंगे, फॉर्मेट सबको याद होगा कि सर इन्वेस्टमेंट जितना किया है पहले वो लिखेंगे हम लोग, इन्वेस्टमेंट कितना किया था, देखो सेंस में इन्वेस्टमेंट तुमको दिया हुआ था 2,80,000 रुपया, देखो इन्वेस्टमेंट कितने का किया है, 2,80,000, नीचे 2,80,000 दिया हुआ है, कोई इश्यू नहीं है सर। और डिविडेंड वाला झमेला याद करो, इसके सम्स कराए थे बार कि नीचे वो अमाउंट अलग रहेगा ऊपर अमाउंट अलग रहेगा, तो क्या करें, ये हम लोग ऑलरेडी कराए हुए हैं, ठीक है। इससे हम लोग लेस करते हैं, पहला तो फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ शेयर का मतलब हुआ कि आपके पास 24,000 शेयर है, मतलब एस लिमिटेड के पास कितना शेयर है बताओ, 24,000 शेयर, राइट। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना रुपया, 10 रुपये से, तो आ जाएगा ये 2,40,000 रुपये। ये तो आप लेस करोगे ही, दूसरी बात आपको लेस करना पड़ेगा डिविडेंड। सर ये कौन सा डिविडेंड है, वो डिविडेंड आपके अपने हिस्से का है, अपने हिस्से का है सर, मतलब मैं बताता हूँ। देखो टोटल डिविडेंड कितने का था, 60 हजार रुपये का था, बट 60 हजार में आपके पास 4/5 शेयर है, राइट, 4/5 शेयर, मतलब इस 60 हजार का 4/5 शेयर, 60 हजार डिविडेंड का सोचो टोटल डिविडेंड कितना कंपनी अनाउंस किया, 60,000 रुपया, उसमें से 4/5 शेयर तुम्हारे पास ही है। इसका मतलब 60,000 का 4/5 शेयर तुम्हारे पास आएगा,
तुम्हारे पास डिविडेंड आएगा तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा, मैं रेट से कर देता हूँ उसको, ज्यादा अच्छा बेटर रहेगा। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं 60,000 का 4/5, मतलब ये मेरे हिस्से का है सर, ये देखो 48,000 रुपीज, दैट 48,000 शुड ऑल्सो बी डिडक्टेड, क्योंकि ऑलरेडी देखो एक बार हम लोगों को बताया था क्लास में कि सीओसी निकालते क्यों है, सीओसी ये निकाल के ये देखते हैं कि उस कंपनी को हम महंगा में खरीदें कि सस्ता में खरीदें। महंगा में खरीदे हैं तो क्यों खरीदें, क्योंकि गुडविल है, सस्ता में खरीदे हो तो कहाँ पर ट्रांसफर होता है, कैपिटल रिजर्व में, बस यही चीज अपने को समझना था। और हम लोग इसमें क्या लेस करते हैं याद करो, और हम लोग इसमें लेस करते हैं प्री एक्विजिशन, एक्विजिशन करने का पहला का जो अमाउंट था ना, ये वाला 56,000 रुपीज शुड ऑल्सो बी डिडक्टेड, ये 56,000 और माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कितना आ रहा है, माइनस में आएगा तो ये कैपिटल रिजर्व होगा, प्लस में आएगा तो ये गुडविल होगा। ठीक है, देख लेना यहाँ पर, ओके माइनस में आ रहा है, माइनस में कितना आ रहा है, 64,000 माइनस में आ रहा है, इसका मतलब इस माइनस को क्या बोलेंगे हम लोग, इसको माइनस को क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल रिजर्व, है ना। यस सर, समझे क्या सर, वर्किंग नोट नंबर 3 भी हो गया, वर्किंग नोट नंबर 4 करने जा रहे हैं हम लोग। देखो वर्किंग नोट नंबर 4 क्या निकालते थे याद है, एमआई, एमआई का हिस्सा एकदम सेम चीज। सबसे पहले हम लोग एमआई का क्या लेते हैं, एमआई का पहले लेते हैं फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ शेयर, ऑफ शेयर ये देखो रट्टा हो जाना चाहिए, नहीं तो मेरा एक रिवीजन वीडियो आएगा फ्यूचर में एग्जामिनेशन के 1-1.5 महीना पहले, वो रिवीजन वीडियो में मैं इसी सब चीज के ऊपर फोकस करूंगा, ताकि आपको बहुत कम समय में पूरा का पूरा चैप्टर मैं रिवाइज कराऊं, जिसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं, उसमें सिर्फ रटा रटाया हुआ चीज मैं बता दूंगा, ताकि तुमसे एग्जामिनेशन में जो काम होने वाला है वो हो जाएगा। तो आपके पास 6,000 शेयर है, मल्टीप्लाई बाय 110 करोगे, सॉरी कितना आ जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगा तुम्हारा 60,000। इसमें और क्या ऐड करते हैं, इसमें ऐड करते हैं प्री का, इसमें ऐड करते हैं पोस्ट का रिजर्व और पोस्ट का पीएल, ये जो ये ऐड करो ना। अब देखो प्री का कितना है, प्री का एमआई निकाले थे ना 14,000 रुपया, प्री का एमआई 14,000 रुपया ऐड कर दिए, पोस्ट का रिजर्व 6,000, पोस्ट का पीएल 16,000, 6,000 और 16,000। इस तरीके से तुम्हारे माइंड में ना माइंड मैप, मैप जो जिसको बोलते हैं ना मैप, उस हिसाब से तुम्हारे माइंड में चलना चाहिए कि सर एमआई करने जा रहे हैं तो अपने क्या क्या ऐड करने। ठीक है, अब देखो इसको ऐड करके देखो कितना आ रहा है, 60 प्लस 14 प्लस 6,000 प्लस 16,000, 96,000, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, यह देगा 96,000, 96,000 इज द एमआई। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर सॉरी 5, यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 5 कर रहा हूं मैं, वर्किंग नोट नंबर 5 क्या निकालते हैं, कंसोलिडेटेड पीएल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेटेड पीएल अकाउंट में याद करो क्या करते हैं हम लोग, पहले अपना पीएल लिखते हैं, एस लिमिटेड का पीएल अकाउंट कितना रुपया दिया हुआ है, देखो संस एस्टिमेटेड का पीएल अकाउंट कितना रुपया दिया हुआ है, 2,50,000। पहले तो आप ये लिखोगे, पहले आप क्या लिखोगे, ये 2,50,000 रुपये पहले ये लिखोगे, इससे हम लोग क्या ऐड करते हैं, इसमें हम लोग ऐड करते हैं क्या बोलो, इसमें हम लोग ऐड करते हैं पोस्ट का पीएल, पोस्ट का पीएल कितना रुपया, देखो पोस्ट का पीएल दिया हुआ है 64,000 रुपीज, 64,000 रुपीज ऐड हो गए यहाँ पे, ये एकदम माइंड में एकदम चलता रहना चाहिए भाई। ठीक है, फिर हम लोग क्या लेस करते हैं बताओ इसमें से, यदि डिविडेंड का अमाउंट रहता है तो डिविडेंड का अमाउंट हम लोग लेस कर देते हैं, डिविडेंड का कौन सा अमाउंट लेस करेंगे सर, अपना वाला अमाउंट, कौन सा अमाउंट, अपना वाला अमाउंट, अपना वाला अमाउंट कितना निकाले थे, ऑलरेडी निकाल के रखे हैं यहाँ पे 48,000 रुपीज, ये 48,000 रुपीज ये ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे निकाल के रखे हैं, तो 48,000 रुपीज दैट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम दिस 48,000 रुपीज। ठीक है, ये माइनस कर दोगे यहाँ से, समझे क्या सर, एकदम समझे सर। और क्या आता है, और इसमें एक चीज आता है, यदि अनरियलाइज रेंट है तो, और इस संस में अनरियलाइज रेंट है, ये अनरियलाइज रेंट क्या है देखना है, अनरियलाइज रेंट के बारे में नीचे दिए डिस्कस किया था, देखो लास्ट एडजस्टमेंट बोल रहा है कि एस्टिमेटेड जो है, एस्टिमेटेड को कोई सामान बेचा,
और जो सामान बेचा है वो कितने का बेचा है, 10,000 का सामान बेचा है, और 10,000 में जो प्रॉफिट कमाया है वो क्या है, 20% प्लस, मतलब कॉस्ट प्लस 20%, 25%। इसका मतलब क्या होता है, ऑन कॉस्ट है, ऑन कॉस्ट है। ऑलरेडी मैंने क्लास में कई बार समझाया है, तो ऑन कॉस्ट के लिए कैसे निकालेंगे, देखो भाई ये 10,000 रुपीज है, मैं इसको अभी शॉर्ट में तुमको समझा देता हूँ। ऑन कॉस्ट मतलब सीपी, प्रॉफिट और एसपी। तुमको पता ही होगा कि कॉस्ट में हम लोग जब प्रॉफिट को जोड़ते हैं तो सेलिंग प्राइस आता है, राइट। हम लोगों का यहाँ पे बोल रहा है कि 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, जब भी जिसके ऊपर ऑन रहता है उसको हम लोग मानते हैं 100, इसको मान लीजिए 100, और यदि प्रॉफिट तुम्हारा 25 है तो बताना एक बार एसपी कितना होगा, एसपी 125 होगा, बोलो हाँ यस सर। अब यहाँ पे जो 10,000 रुपीज जो तुम्हारे सेंस में दिया हुआ है, वो 10,000 रुपीज इज ऑन सेलिंग प्राइस। अपने को क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई यहां से डिवाइड, मतलब 10,000 यदि मैं निकालू यहाँ पे, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइड बाई 125। आप इसको ऐसे भी शॉर्टकट में समझ सकते हो, ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ ताकि कभी तुमको उतारना हो कॉपी में तो उतार लेना, ठीक है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ सुना एक बार, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि आप इसको ना इसी तरीके से भी समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो, मैं समझाता हूँ। देखो आप इसको यदि समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो कि सोचो एक बार, 10,000 यदि मेरा प्रॉफिट 25% है और मेरा कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, तो ये जो 10,000 रुपया वो 125% के बराबर है, ठीक है। तो 10,000 रुपया यदि 125% के बराबर है तो 25% के बराबर कितना होगा, तो हमने क्या किए, एक 10,000 डिवाइड बाई 125 किए तो आ गया 1% के बराबर कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दिए 25 से तो आ गया 25% के बराबर कितना होगा, ठीक है। याद आएगा तुम्हारा, याद आएगा तुम्हारा 2,000 रुपीज, 2,000 रुपीज शुड बी डिडक्टेड, ये भी अनरियलाइज रेंट है, तो हम रिलीज करेंगे, बस हो गया अपना। देखो एक बार जोड़ के क्या आ रहा है, 2,50,000 प्लस 64,000 माइनस 48,000 माइनस 2,000, 11 है 2,64,000, 2,64,000। बस एडजस्टमेंट नंबर लास्ट करना है, वर्किंग नोट नंबर 6, वर्किंग नोट नंबर 6 क्या करते हैं, कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड व्हाट रिजर्व, हम लोग क्या करते हैं इसमें भी सेम चीज, अपना रिजर्व लिखते हैं हम लोग पहले, अपना रिजर्व मतलब एस्टिमेटेड का रिजर्व कितना है, देख लो अगर एस्टिमेटेड का रिजर्व है अपने पास 2,00,000 रुपया, ठीक है, 2,00,000 रुपया मैं यहां पे आपको लिख दूंगा, 2,00,000 रुपये। इससे ऐड कर देंगे, इससे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे क्या, पोस्ट का रिजर्व, पोस्ट का रिजर्व ऑलरेडी हम लोग निकाल के रखे हैं यहाँ पे, पोस्ट का रिजर्व कितना है, 24,000, 24,000 रुपीज ऐड कर दो, ये देखा 2,24,000 देख लीजिए, जो सकते हैं, ठीक है, खत्म हो गया। हम लोगों का एडजस्टमेंट से रिलेटेड जितना पॉइंट था, वर्किंग नोट सारा कंप्लीट हो गया, अब हम लोग फाइनल अकाउंट बना के खत्म करते हैं सर। 2020 का है, ईयर्स का है, तो आप छोड़ नहीं सकते किसी तरीके से, ठीक है, किसी तरीके से भी करके आना भाई। फॉर्मेट टान लेते हैं, शॉर्टकट में लेके जा रहा हूं मैं, आप अच्छे तरीके से स्केल से फॉर्मेट टान के सम्स कर रहे हो, मैं ये आशा लगाता हूं आपसे, ठीक है। नोट्स और यहां पे रुपया क्या होगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ठीक है, देखना है। सबसे पहला जो चीज आता है वो आता है लायबिलिटी, क्या था बताओ, लायबिलिटी। यदि मैं लायबिलिटी के बारे में डिस्कस करूं तो देखो लायबिलिटी में सबसे पहला क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, और इक्विटी शेयर कैपिटल में सब क्या लेते हैं हम, सिर्फ अपना वाला कैपिटल लेते हैं, यस सर, अपना वाला लेते हैं। इसका मतलब मैं अपना वाला यदि कैपिटल के बारे में डिस्कस करूं तो अपना कैपिटल कितना है, 8,00,000 रुपया, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8,00,000, राइट, यहाँ पे आ जाएगा 8,00,000 रुपया। आप इसके लिए अलग से एक नोट्स बना सकते हो, क्लास में ऑलरेडी मैं समझाया था। उसके बाद आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में, रिजर्व एंड सरप्लस में, यदि रिजर्व एंड सरप्लस में देखोगे तो आपका ऑलरेडी हम लोग ये दो एच ये किए हैं, 2,64,000, 2,24,000, 2,64,000 प्लस 2,24,000। अब इसको देखो, इसको ना मैं क्लास में बता दिया था, मैं फिर भी बताता हूँ, यदि आपको एसपीएल करना है या फिर रिजर्व करना है या फिर कैपिटल रिजर्व करना है, तीन चीज देखना है, राइट।
कैपिटलिज्म निकला हो तो आप यहाँ पे एसपीएल से देख ली, एसपीएल का कौन सा है, वर्किंग नोट नंबर 4 है, सॉरी 5 है, 5 का 2,64,000 रुपए ऐसे लिख सकते हो, देखो वर्किंग नोट नंबर 5 2,64,000 ऐसे लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है ठीक है। वैसे वर्किंग नोट नंबर 6 है, ये तुम्हारा कितना है 2,24,000, 2,24,000 यहाँ पे लिख सकते हो। तो ऐसे बायफरकेट कर भी कर सकते हो या फिर अलग से एक ही बार जोड़ करके भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। कैपिटलिज्म 64,000 ज्यादा अच्छा सर ये रहेगा, 64,000 ये तुम्हारा वर्किंग नोट नंबर 3 था शायद, 3 ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 3 ठीक है। अच्छा सर उसके बाद क्या आता है सर, उसके बाद आता है एमआई, एमआई वर्किंग नोट नंबर 4 है, और इस 4 में हम लोग क्या कहते हैं एमआई का अमाउंट निकालते हैं, एमआई का अमाउंट निकाल के रखे हैं हम लोग कितना 96,000, 96,000 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। देखो इतना करने के बाद तुम अब बैलेंस शीट में आओगे सम्स सम्स के, जब बैलेंस शीट में आओगे तो तुम देखोगे तो ये पूरा का पूरा एडजस्टमेंट हम लोग कर चुके हैं ऊपर वाला पूरा ही कर चुके हैं, नहीं नहीं सॉरी इसमें एक चीज बचा हुआ है, ट्रेड ट्रेड पेबल अमाउंट। अब ट्रेड पेबल अमाउंट में क्या करोगे, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, 2,80,000 प्लस 70,000 यहाँ पे आते हैं। नॉन करेंट एसेट्स बोल के कुछ है नहीं, यहाँ पे नॉन करेंट एसेट बोल के कुछ है नहीं, तो अपने करेंट एसेट्स करेंट सॉरी नॉन करेंट लायबिलिटी बोल के कुछ है नहीं, तो यहाँ पे करेंट लायबिलिटी में क्या आ जाएगा, ट्रेड पेबल, क्या आता है ट्रेड पेबल, पेबल ट्रेड पेबल में तुम्हारा कितना कितना लेंगे बताओ, ट्रेड पेबल में तुम्हारा दिया हुआ है उसमें 2,80,000 प्लस 70,000, 2,80,000 प्लस 70,000 यह आ जाएगा तुम्हारा 3,50,000, ये 3,50,000 बस हो गया, लाइब्रेरी सेट अपना खत्म हो गया, और तो कुछ है नहीं, एक बार ऐड कर देते हैं लाइब्रेरी सेट 8,00,000 प्लस 2,64,000 प्लस 24,000, 24 था क्या रिजर्व, 2,24,000 ये 2,24,000 हाँ 2,24,000 प्लस 2,24,000 प्लस 64,000 प्लस 96,000 प्लस 6,00,000 ये आ गया 17,98,000 रुपया, ये 17,98,000 रुपया आपका अमाउंट आ गया राइट। अब आते हैं नॉन करेंट एसेट्स, मतलब एसेट साइड में, एसेट्स यदि एसेट साइड में आएगा तो सबसे पहले आएगा नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स में दो एसेट आता है टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। आ जाओ यहाँ पे तुमको कुछ दिया नहीं है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, चारों को जोड़ देना पड़ेगा, ये नॉन करेंट एसेट है 6,03,20,000, 6,00,000 प्लस 3,00,000 20 प्लस, मैं यहाँ पे बुक से देख के कर लेता हूँ ठीक है, 4,00,000 प्लस 1,00,000 हाँ आपके पास बुक होगा देख लेने, 4,00,000 प्लस 1,00,000 ठीक है, देखो 6,00,000 प्लस 3,00,000 प्लस 14,20,000 का रहे, 14,20,000 पर ठीक है। अब आ जाओ अब तुम बैलेंस शीट पे फोकस करोगे तो ये हम लोग ये वाला 2 पॉइंट हम लोग लिख चुके हैं, इन्वेस्टमेंट अपना खत्म हो चुका है, इन्वेस्टमेंट बाहर इन्वेस्टमेंट किए रहते तो वो भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, बट यहाँ पे तो है नहीं। ट्रेड पेबल देखो, ट्रेड रिसीवेबल देखो, 1,60,000 है और ये 80,000 पावर है, तो दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे ट्रेड। अब हम लोग यहाँ पे करेंट एसेट्स में आ जाएंगे, करेंट एसेट्स, करेंट एसेट में क्या आया है सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल कितना कितना था, ये था तुम्हारा 1,60,000 प्लस 80,000, 1,60,000 प्लस 80,000 यह जाएगा 2,40,000 ठीक है, यस सर यह जाएगा 2,40,000 ठीक से गया ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल के बाद क्या है, ट्रेड रिसीवेबल के बाद क्या है सर, ट्रेड रिसीवेबल के बाद है अपना स्टॉक, स्टॉक कितना है 60,000 और 40,000, ये मत भूलना स्टॉक में अनरियलाइज रेंट का जो अमाउंट है उसको हम लोग क्या करना, अनरियलाइज रेंट बता रहे, अनरियलाइज वो प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। स्टॉक 60,000 प्लस 40,000 और इसमें अनरियलाइज रेंट को अनरियलाइज अनरियलाइज रेंट बोलता है, बार बार टैक्स याद आ रहा है,
अनरियलाइज जो ये प्रॉफिट है उसको 2000 रुपीज को हम लोग क्या करेंगे इसमें लेस कर, ये कितना आ रहा देखना, 1 लाख प्लस 2 माइनस 2 सॉरी 98,000, ये जाएगा 98,000। ठीक है सर, ये भी हो गया। कैश एट बैंक दोनों को जोड़ देंगे, 30,000, 10,000, 40,000। स्टॉक कैश जो अमाउंट आएगा, कैश का अमाउंट आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, कैश 30,000 और 10,000। एक मिनट, 30,000 और 10,000 दोनों को जोड़ देखो तो आ जाएगा ये 40,000। अब ये जोड़ने के बाद देख लो एक बार आ रहा कि नहीं। अच्छा, 14,20,000 प्लस 2,40,000 प्लस 98,000 प्लस 40,000 आ गया 17,98,000, याद आ रहा है 17 लाख, याद रहा है कितना, 17,98,000 का। ठीक है, ये आपका बैलेंस शीट मिल गया। ये देखो ईयर कौन से ईयर का था, ये है 2020 का, तो पास्ट पेपर्स को भी साथ साथ हम लोग कवर किए हैं इस पूरे मैट में। जो आपके पास मैट गया है ना, उस मैट में पूरे पास्ट पेपर्स हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके बुक के हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने खुद बनाया है जिससे आपको कॉन्सेप्ट देके जाएगा, तो कवरेज है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जितना मैं करा रहा हूँ ना, उतना क्वेश्चन यदि कर लोगे तो मोर देन एनफ है, एग्जाम में उसी में से आएगा, इसका मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, तो अब हो गया ये 2020 का भी पेपर, क्वेश्चन नंबर 15 का कंप्लीट कर लिए, आगे हम लोग और करने वाले हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय, थैंक यू।